नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज़। मैं आपका दोस्त डीके देव उर्फ नज़र साथियों लेकर हाजिर हूँ आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अनदेशक, शिक्षा मित्र आदि संविदा कर्मियों से संबंधित है। साथियों यहाँ पर अनदेशकों से संबंधित एक बड़ी खबर कल आई है। वो खबर है कि मानदेय बढ़ोतरी के बावजूद भी बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है, जिससे अनदेशकों में खासा निराशा व्याप्त है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं आज के इस समाचार में। शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लखनऊ सरकार ने वैश्विक शिक्षा परिषद के स्कूल में कार्यरत अंशकालिक अनदेशकों का 2,000 रुपये मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन अप्रैल माह में उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल सकेगा। ये एक बड़ा समाचार आ रहा है। और हुआ भी ऐसा है, अप्रैल माह का मानदेय जारी हो चुका है राज्य परियोजना निदेशालय से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये आया है, ना कि बढ़ा हुआ मानदेय 9,000 रुपये। इससे अनदेशकों में बहुत ही निराशा व्याप्त है और सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हमारा बढ़ा हुआ मानदेय मिला। इधर 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है मानदेय 17,009% ब्याज को लेकर, इसलिए अनदेशकों को डबल दुख चिंता सता रही है कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, सरकार ने जो बढ़ाया मानदेय है वो ज़रूर मिलेगा, भले अभी नहीं मिला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एरियर के रूप में ये मानदेय अनदेशकों को बाद में भेजा जाएगा। वैश्विक शिक्षा विभाग ने पुरानी दर 7,000 रुपये से मानदेय भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया। ज्ञात हो कि मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है और आदेश के अनुपालन का इंतज़ार है। तो साथियों ये समाचार आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आदेश अनुपालन का इंतज़ार है, मोर कैबिनेट में 9,000 मानदेय की लग चुकी है। तो मेरा अनुरोध है चैनल की तरफ से आप सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को कि आप निराश ना हों और उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपको आपका हक अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति कभी भी इन समस्याओं से या किसी भी समस्याओं से नहीं डरते हैं और संघर्ष के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो साथियों आज आपने देखा बीवी अनदेशकों को वो हक नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, लेकिन उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका हक आपको अवश्य मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।